अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्कार, पठान होते हैं और उर्दू स्पीकिंग पठान होते हैं। इंडियन यूसुफ़ज़ई इंडिया से आए हुए होते हैं, तो चलते हैं वीडियो जाने। तो मुझे ज्यादा इंडिया जाने का शौक है कि मेरे आधे घर वाले जो वहीं से आए, तो मैं भी चाहूंगी। अच्छा, एक चीज है, जैसे इनका आपका भी अभी भी रहते हैं वहाँ पे, अम्मी वगैरह का ताल्लुक इंडिया से था ना? मेरी दादी वहीं से आई, वो बना ले घर में लग रही है, उसकी वजह बता रहा हूं ना। नहीं बताऊंगी, चलने आ छोड़ो। तो चलते हैं वीडियो की जाने। जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उनको कहीं ना कहीं मोहब्बत होती है, जो उनके बाबा दादा पर दादा। मुझे तो भाई बहुत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दो ट्रेनों की रेस से, इसे एंजॉय करें। वाओ, ले भाई, आज तक मैंने ऐसी रेस नहीं देखी, सच बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो भाई पहला रेस चल रही है हावड़ा श्री सत्य साई एक्सप्रेस के साथ। अरे भाई साहब, संतरागाछी तिरुपति वीकली एक्सप्रेस, वाह, ये चाहिए। अरे मजा, संतरा गाची तिरुपति। मैं बैठा था, मेरे एक्चुअली पेन हो रहा था बहुत बैक में, बट फिर उठ के आया भाग कर। देखते हैं भाई कब तक रेस चलेगी ये वाली, मजा तो आएगा भाई। गाड़ी बिल्कुल खाली है, नॉट श्योर क्या रीजन है। ये देख लो भाई, भाई ये तो आगे निकल गई है हमारे से। ये देख लो भाई, भाई साहब हमें पीछे छोड़ते हुए, वाह यार, बाय 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 भाई साहब, ये मजा चाहिए था भाई, असली रेल फैन को क्या चाहिए बताओ। मैं तो कहता हूँ भाई हमारी और आगे भागे तब और मजा आएगा, क्योंकि यही आगे जाई जा रही है। भाई साहब प्लेटफॉर्म हाई स्पीड स्किप भी चल रहा है, अरे भाई आज तक मैंने ऐसी रेस नहीं देखी, सच बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। भाई साहब ऑलमोस्ट 90-100 चल रही है अभी, वो आगे निकल रही है थोड़ी सी, दोनों को ग्रीन। कैसा लग रही है रे? बढ़िया, चलो भाई। तो भाई वो आगे निकलती जा रही है, बाय बाय भाई साहब। भाई मैं तो कहता हूँ हमारी वाली भी प्लास्टिक दिखा दे यार थोड़ा सा।
भाई 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 नेक्स्ट लेवल। भाई एक एक जना रिकॉर्ड कर रहा है इस रेस को। हाथ उतने लगे थे इसलिए मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। अरे वाह, दोनों साथ में हाई स्पीड पैरेलल रेस चल रही है और वो भी प्लेटफॉर्म की। भाई भाई ये तो ले गया यार, आगे ले गया। भाई रेस हुई यहाँ पर ख़त्म, काफ़ी ज़बरदस्त रेस थी। अगर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी रेस आई गेस आपने आज तक नहीं देखी होगी, और सच बता रहा हूँ मैंने भी आज तक नहीं देखी एज अ रेल फैन। मतलब उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखो गेट पे खड़ा था ये ना, बैक में मसल पुल हो गए एक थोड़े को, इस ट्रेन को जान दो। जी हाँ, बैक में बहुत ज़्यादा मसल पुल है तो बहुत मुश्किल हो रहा है यार ट्रैवल करना, खड़ा भी नहीं हो जा रहा, इतना पेन हो रहा है। बट जैसे ही रेस देखी ना भाई, भाग कर आया, मज़ा आ गया। अगर वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को बस इतना रखना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया मेक श्योर लाइक जरूर करना। छोटा सा रेस थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जी जनाब, कैसी लगी ये रेस? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा और इतना खूबसूरत, बिल्कुल मेरी शर्ट की तरह रेड। क्या चीज़? ट्रेन। अच्छा, ट्रेन जो जीती जो जीत गई है, और दूसरी ट्रेन ब्लू थी। ब्लू भी आपके ऊपर है। फिरोजी फिरोजी हो गया। लेकिन ये आपको क्या लग रहा था कौन सी जीतेगी? ट्रेन के सफर में बड़ा मजा आता है आपको, नए नए लोग, बड़ा एक्सपीरियंस होता है, ऐसी ऐसी अजीब अजीब। मैं अपना एक वाक्य बताऊं, हम लोग तो आपको होगा, हम लोग पता है क्या देखना। अच्छा चलो मेरा वाक्य सुन लो। पता है हम लोग जब ट्रेन में गए ना, तो हम लोग को दूसरे वॉशरूम नहीं मिल रहा था ना वहाँ पे, तो रूम नहीं है, खुली जगह होती है, बाहर के लोग होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, 12 घंटे तक बैठे हुए फिर बाकायदा उसके बाद रिश्ते तक भी हुए। इसलिए आप जाना चाह रहे हैं, शादी हो जाए। बस में अलग अलग रूम बने हुए होते हैं, क्योंकि इसमें ये होगा ना कि हम बैठे लंबा सफर ट्रेन में आपने सफर किया, आप घूम गई उसमें थोड़ा सा पैसा। आपने ट्रेन में सफर किया, बताएं कोई एक्सपीरियंस? आप भी घूम गई थी, आप भी एकदम खो गई थी, अब्बू आपको ढूंढ रहे थे। हां ढूंढ रहे, खो ही नहीं थी। अब्बू ने कहा मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, और मेरी अब्बू की आदत थी कि झांक झांक के देखते नहीं थे, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे देखे तो सही कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। अच्छा ये कह रही है, मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ। ये ट्रेन में बैठी हुई है, इनके अब्बू बाहर निकले, अपना डब्बा भूल गए होंगे कि किस डब्बे में मैंने जाना, तो ये इनको ढूंढ रहे हैं। अब इनको ढूंढ रहे हैं तो यूं गुजर रहे हैं, ये अब्बू को देख रही है। अच्छा, ये बाहर से बैठ के अब्बू को देख रही है, तो अब्बू घूम इनको ढूंढ रहे हैं।
तो ये समझ नहीं है, वैसे ही वो चल रहे चल रहे तो जब अब्बू आए तो वगैरह तो मैं तो आपको ढूंढ रहा था। नहीं, वो पुलिस वाले आए ना, वो जब जहाँ जाके देखा बोले ये बेटी ये बेटी ये बेटी, तो फिर जाके बोले हाँ ये बेटी। तो हमारे अब्बू मुझे ऐसे बंदा ढूंढता तो देखता है ना, और आप तो सीधे जा रहे हैं बिल्कुल नहीं। पहले की बात ही नहीं, यकीन करो कि मेरे अब्बू जो थे किसी को देखते ही नहीं थे। हाँ, जैसे कि मैं पहले के लोग होते थे, नहीं नहीं अब देखो मैं बैठी हूँ देखते नहीं थे। मैं आती जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अब्बू के साथ वक्त गुजारी हूँ, लेकिन कह रही है मतलब आजकल की तुम अपने बाप की नज़र से किसी भी ऐसी शख्स को देखोगे ना, यार ये तुम्हें बाप की जैसा लग रहा है या वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो लोग हद से ज़्यादा हरामी आजकल के लोग। अरे आजकल तो माशाल्लाह जितने जवान कोई एक्शन लेने में डरते ना लड़की से कोई रास्ते में, उतने वो आज कहना नहीं चाहिए इस उम्र की कितनी वो ढेर सारे दोस्त कितनी बदतमीजी कर जाते हैं। इतनी लड़कियां दोस्त है, दोस्त बना के रखी, पैसे बढ़े क्या है, और जिंदगी तो ऐसे गुजर ही जाएगी, तो अपने ऊपर खर्चा करें, तो दोस्त पाले या फ्रेंड। मैं कहती हूँ आजकल लड़के डर जाते हैं कि यार इससे कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, मालूम दिया चमाट वमाट मार दिया तो मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। जो एजेंट होते ना वो नहीं सोचते। क्या हुआ था मेरे साथ, मैं ड्राइवर थे, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, तो अब्बू ने मतलब जगह नहीं, सब फैमिली थी ना पंजाबी फैमिली थी, तो अब उन्हें जगह नहीं, उसकी बेटी ऊपर सो रही थी, उनका बेटा ऊपर सो रहा था, नीचे उनके बच्चे थे, मतलब हद से ज़्यादा फैमिली थी। तो बोले कब तक उठी रहोगी, चादर बिछा के मुझे रात तुम सो जाओ। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मुझे सुला दिए। अब मेरी दो गई ऊपर से जो पंजाबी लड़की थी ना, काफ़ी बड़ी थी उस वक्त, मैं 8 साल की थी, इतनी हेल्दी थी वो, इतनी गहरी नींद में ऊपर सो रही थी, ऊपर से नीचे गिर गई। मैं भी यही सोच रही थी कि उसके ऊपर गिर गई। जैसे कि करवट लेने की जगह नहीं थी ना, वो गहरी नींद में थे, ऊपर से नीचे गिरी मेरे, ऐसी जान थी ना बिल्कुल। ट्रेनों के सफर में बड़े अच्छे जबरदस्त यादगार वाक्य हो जा रह जाते हमारे ना, इंसान की हरारत नहीं भूलता ट्रेन का 1 हफ्ते तक। आप कहीं भी बैठ के सुनो ऐसे लगते उसकी आवाज, और ऊपर से ऐसी बारिश हो रही थी ना, आए है आला। सफर के बाद जो है ना घर में सो रहे हो ऐसे ऐसे ट्रेन में, और बारिश हो रही थी, क्या नजारा था देखने वाला। और ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई, फिर हम लोग ने चाय मंगवाई वहीं पे, चाय पीते रहे और बारिश को देखते रहे, सारा पानी हमारे में। आपकी ट्रेन में जो खाना वाना मिलता है वो कैसा होता है, क्योंकि हमारे ट्रेन में जो खाना लेकर आते हैं वो बिल्कुल मजे की नहीं होती, खाने के काबिल ही नहीं होती बिल्कुल। हम तो आप जरूर बताएं कमेंट में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार तुम चिकन देखो, हमारा चिकन होता ना हम खा भी लेते, वो चिकन में पता है चिकन में छोटे छोटे बॉल बने रहते हैं, और बिल्कुल इतना सादा ना कि खाया भी नहीं जाता। और वो कहते बिरयानी 300-400 रुपए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।